Hello everyone, welcome and welcome back to Bohonest. मैं हूँ चैतली and I am Vihan. Vihan ने मुझे कहा था कि माँ मुझे भी आपके साथ इंट्रोडक्शन वीडियो करना है क्योंकि आज के प्रोजेक्ट में Vihan ने मेरी बहुत मदद की. बहुत महीने हो गए आपके साथ कुछ भी वीडियो शेयर किए हुए. मेरी फैमिली में कुछ मेडिकल इश्यूज हो गए थे और Vihan का भी स्कूल ओपन हो चुका था तो मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी. पर मैं फिर से आ गई हूँ बहुत सारी होम डेकोर DIY वीडियोस के साथ. आज की जो प्रोजेक्ट है वो है हाउ टू पेंट योर ओल्ड कपबोर्ड एट होम. मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे कि वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सी ऐसी टिप्स शेयर किया है जो कि आपको बहुत मदद कर सकता है. इस वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने Bohonest को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ. लेट्स गो. मेरी 10 साल पुरानी कपबोर्ड है. यहाँ पर एक मिरर है जो मैंने न्यूज़पेपर से अच्छे से ढक दिया है. इसकी कंडीशन ज्यादा तो खराब नहीं है पर हर साइड से थोड़ा बहुत घिस चुका है. मैंने यहाँ पर 80 नंबर का एक मेटल सैंड पेपर लिया है. इसकी मदद से जो रस्ट एरियाज है उसको अच्छे से घिस लेना है. सैंडिंग हो जाने के बाद एक कॉटन का कपड़ा लेके पूरे अलमीरा को अच्छे से साफ कर लेना है ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल्स ना रहे. उसके बाद मेटल प्राइमर से सैंडिंग वाले एरियाज को सील करना है. मैंने एशियन पेंट्स का मेटल प्राइमर यूज किया है. प्राइमर अप्लाई करने के 6 घंटे बाद इसे फिर से आप पेंट कर सकते हो, यानी कि 6 घंटे इसे पूरी तरीके से सूखने देना है. छह घंटे बाद प्राइमर पूरा सूख चुका है. अब वक्त है कलर अप्लाई करने का. मैंने एशियन पेंट्स का एक व्हाइट कलर लिया है. आप चाहो तो कोई और कलर भी यूज कर सकते हो. इसका प्राइस कितना पड़ा वो थोड़ी ही देर में आपको पता चल जाएगा. अभी आती हूँ इस प्रोजेक्ट की पहली टिप में. आप जब भी कोई पेंट अप्लाई करें उससे पहले उसे अच्छे से स्टेयर कर लें. पेंट का जो ऑयल बेस या वाटर बेस होता है वो ऊपर आ जाता है तो उसे मिक्स कर लेना बहुत ज़रूरी होता है. Vihan भी आ गया है मुझे हेल्प करने के लिए. इसी तरह से पूरे अलमीरा को पेंट कर लेना है. अभी
फर्स्ट कोटिंग हो चुका है और यहाँ पर है सेकेंड टिप। रोलिंग स्पंज को प्लास्टिक रैपर में रैप करके फ्रिज में रखने से उसके ऊपर की पेंट ड्राई नहीं होगा और आप सेकेंड कोटिंग आसानी से कर पाएंगे। छः घंटे बाद फर्स्ट कोटिंग तो ड्राई हो चुका है, अभी सेकेंड कोटिंग की बारी है, पर मैंने वो रिकॉर्ड ही नहीं किया है। अब देख सकते हैं मेरी कपबोर्ड जो है वो एक व्हाइट कैनवस जैसा है। आप सोच रहे होंगे मैंने व्हाइट कलर ही क्यों चुना, क्योंकि मुझे यह एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पेंट करना था। आप चाहे तो कोई और कलर भी अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पर बता दूँ, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट है जहाँ हर पेंट के बाद 6 घंटे इसे ड्राई होने देना है और उसके बाद ही फिर से आप कोई भी पेंट अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए पेंट करते करते टोटल एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं। सैंड पेपर 30 रुपये, प्राइमर 120 रुपये, एनामेल पेंट 300 रुपये, ट्रे 120 रुपये, रोलर 60 रुपये और एक छोटा सा ब्रश 15 रुपये में। तो यहाँ तक टोटल खर्चा हुआ है 645 रुपये। और अगर मेरी तरह आप ऐसे आर्ट फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए खर्च होंगे और भी 160 रुपये। यहाँ तक होने के बाद मुझे लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है, तो इसलिए मैंने इस हैंडल को और मिरर फ्रेम को ही ब्लैक कलर में पेंट कर दिया और ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत आया था। Thank you.
पेंट का काम खत्म हो चुका है और आपके लिए है आखिरी टिप, ब्रश और रोलर यूज करने के तुरंत बाद से टर्पेंटाइन या केरोसिन में वॉश करने से आप इसे दोबारा यूज कर पाएंगे। प्रोजेक्ट रिवील के पहले फिर से एक बार आप सब याद कर लीजिए मेरी पुरानी कपबोर्ड को। और ये है फाइनल रिजल्ट। कुछ लास्ट मिनट चेंजेस किया है मैंने जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, पर ओवरऑल मेरी मेहनत रंग लाई है। एंड गाइस, अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। शेयर करें। और गाइस, पहले की तरह मैं हर संडे को वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बिहान की स्कूल जो है वो समर वेकेशन के बाद रीओपन हो चुका है और मैं अभी वक्त नहीं निकाल पाऊंगी वीडियो के लिए, पर मैं कोशिश करूंगी कि महीने में एक या दो वीडियो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँ। मैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।